ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। साल के पहले नेशनल लोक अदालत शिविर का जिला न्यायालय में आयोजित शिविर का दुर्ग अधिवक्ता संघ ने विरोध जताकर आक्रोश जताया और पक्षकारों से निवेदन कर शिविर में नहीं जाने की अपील की। हर बार की तरह इस बार भी 2023 का पहला नेशनल लोक अदालत का शनिवार को दुर्ग न्यायालय परिसर में शिविर आयोजित किया गया। इसमें सभी पेंडिंग प्रकरणों के साथ ही नए मामले रखे गए। इसी कड़ी में अधिवक्ता संघ की अध्यक्षा नीता जैन सहित अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं ने जिला ए व सत्र न्यायाधीश से दुर्व्यवहार को लेकर अपनी आपत्ति जताते हुए आज लगे नेशनल लोक अदालत शिविर का बहिष्कार किया। साथ ही साथ शिविर में पहुंच रहे पक्षकारों को वापस जाने निवेदन करते नजर आए। इस मामले में जिला विधिक सेवा और नेशनल लोक अदालत शिविर का अधिवक्ता संघ द्वारा बहिष्कार किए जाने का बयान जारी नहीं हुआ है। वहीं अधिवक्ता संघ की अध्यक्षा नीता जैन, रविशंकर, नीलेश साहू ने न्यूज टीम को जानकारी दी है। न्यायाधीश के व्यवहार से शुभ होकर आज अधिवक्ता संघ ने एक निर्णय लिया है कि आज नेशनल लोक अदालत जो लगा है इसका अधिवक्ता संघ बहिष्कार करता है। कोई भी अधिवक्ता साथी इस नेशनल लोक अदालत में भाग नहीं लिया है और जो भी पक्षकार आ रहे हैं उससे भी हम समर्थन की उम्मीद रखते हैं, समर्थन की अपील कर रहे हैं और बाकी जो अपने इच्छा से आना चाहता है उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। और लोग अधिवक्ताओं के समर्थन में है क्योंकि न्यायालयीन कार्य में अधिवक्ताओं का सहयोग सबको जरूरत पड़ता है हमेशा, और अधिवक्ता के बिना न्यायालय में काम नहीं हो सकता, इसलिए पक्षकार भी हमारे सहयोग में है। हम लोगों ने निर्णय लिया है लोक अदालत से कार्य विरक्त रहने का और ये निर्णय हमारे संघ के माध्यम से पूरे अधिवक्ताओं के माध्यम से लिया गया है। इसका कारण ये है कि हमारे अधिवक्ता संघ दुर्ग को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा जिस दिन से आए लगातार हमें अनदेखी करके हमारे साथ दुर्व्यवहार करके, वकीलों के साथ दुर्व्यवहार करके कार्य कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। मैं आपको एक नहीं कई उदाहरण दे दूंगी। जैसे आए हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के पास हम लोग गए कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें राशि उपलब्ध कराई है उसकी स्वीकृति के लिए हम लोग आए हैं, तो उनका कहना था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा क्या? अरे भाई दो मिनट यही बोल देते कि खाना खा के मैं बात करूँगा, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊँगा क्या करके बोल के चले गए। उसके पश्चात फिर भी हम लोगों ने सहन किया। फिर उसके पश्चात में चीफ जस्टिस साहब यहाँ पर आए, उनसे हमने अपनी सारी बात कही, बीच का ग्राउंड बंद कर दिए थे, उनको बताया तो तत्काल ग्राउंड खोले। इसके पश्चात जब वे आए हमारे साथ बराबर 2.5 घंटा तक घूमे, निरीक्षण किए और हमारी समस्याओं को बहुत अच्छे से देखे। मैं दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ की ओर से उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि आज कम से कम उन्होंने वकीलों के बारे में कुछ तो सोचा। लेकिन हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कभी भी अधिवक्ताओं से मिलना ऐसा लगता है कि किसी प्रकार से कोई हम लोग ग्रसित हैं, उस प्रकार से हमसे दुर्व्यवहार करा जाता है। कभी भी संघ के कोई भी कार्यक्रम में वे शामिल नहीं होते हैं, किसी भी बात को लेकर वे हमसे कोई चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक गंभीर मुद्दा जो कि एक सूची उपलब्ध होती है जिसमें सदस्य बनाए जाते हैं लोक अदालत में वकीलों को, ऐसे मृत व्यक्ति को सदस्य बनाया गया है, 2.5 साल पूर्व में उनकी डेथ हो गई है और उनका नाम 2.5 साल से काटा नहीं गया और आज वे सदस्य के रूप में यहाँ पर है। और इसके पश्चात जब हम कार्य से विरक्त हैं तो पैरालीगल वॉलंटियर को बुलाया गया, तो लीगल तरीके से तो पहले यह सूची रद्द होना चाहिए, उसके पश्चात उनको वहाँ पे बैठाना चाहिए, लेकिन वो भी कार्य उन्होंने नहीं किया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और लगेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक ही जाएंगे। धन्यवाद। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।